अभिनव पर निकित अंबोली ने दोस्तों एक इल्जाम लगाया था कि ये रिश्तों के सहारे आगे बढ़ते हैं बार 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 बार, और अभिनव ने भी उस बात से इनकार नहीं किया था। अब दोस्तों इसके पीछे का एक काला सच मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में, बिग बॉस बोले तो फीफा फूज, और आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि कौन यहां पर रिश्तों के बेसिस पर आगे नहीं बढ़ता। जो लड़की ये इल्जाम लगाती है वो खुद रिश्तों के दम पर आगे बढ़ी है। प्रूफ के साथ आपको बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि एक तो ये मियां बीबी के रूप में आए तो इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ गलती कर दी। घर वाले जब कभी भी मौका मिलता है तो इसी बात को लेकर टारगेट करते हैं कि ये हस्बैंड वाइफ हैं, ये मियां बीबी हैं, जिसके चक्कर में दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, जिसके चक्कर में बार 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 अभिनव को इंसल्टेड फील कराया जाता है, रुबीना को इंसल्टेड फील कराया जाता है कि उन्होंने गलती कर दी कि वो शो में हस्बैंड वाइफ बनकर आ गए। इस चक्कर में ये तो मेकर्स का लुकआउट है ना, कि मेकर्स देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ को लाना है कि नहीं लाना है करके। मेकर्स जब हस्बैंड वाइफ को लाए हैं तो वो भाई उसको उस तरीके से भी तो देखो। लेकिन बार बार यहां पर ये इल्जाम लगाए जाते हैं कि अभिनव तो रिश्तों के चक्कर में आगे बढ़ रहा है, रुबीना तो इतनी डोमिनेटिंग है, अपने देखो कैसे पति को कंट्रोल करती है। ठीक है, यहां पर एक निकित अंबोली ने बात बोली थी कि अभिनव जो है वो रिश्तों के दम पे आगे बढ़ते हैं। तो मैडम आप अपने दम पे तो इतना आगे बढ़ी हैं, आप भी तो जान 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 कर आगे बढ़ी हैं, आप भी तो फिर एजाज कर आगे बढ़ी हैं, आप भी तो अब कविता कविता करते हुए आगे बढ़ रही हैं। समझ रहे हैं आप दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं। बिग बॉस के घर में दोस्ती रिश्ते ये सब बनते हैं। अकेला आज तक कोई आगे नहीं बढ़ पाया है। जो ये बात बोलते हैं कि अकेला आगे बढ़ रहा हूं, अकेला बढ़ रहा हूं, अब देखिए सिनेरियो। एजाज खान बोलते हैं अकेला है कि, लेकिन पवित्रा का एंगल आते ही देखिए किस कैसे बूस्ट मारा था उन्होंने, उनके ऊपर प्रोमो कटने लग गए थे। और वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं जैस्मिन अली, देखो वो भी तो रिश्तों के दम पे आगे बढ़ रहे हैं, अपनी दोस्ती के दम पे आगे बढ़ रहे हैं। और वहीं दोस्तों अगर लास्ट सीजन आपने देखा होगा, सिद्धार्थ शुक्ला टीआरपी किंग था नो डाउट, लेकिन सिद्धार्थ को भी शहनाज की जरूरत पड़ी थी, शहनाज को भी सिद्धार्थ की जरूरत पड़ी थी, रश्मि को आसिम की जरूरत पड़ी थी, आसिम को स्टार्टिंग में सिद्धार्थ की जरूरत पड़ी थी, ये वाइस वर्सा था सारा। तो यहां पर ये बात कहना कि रिश्तों के दम पे आगे बढ़ रहे हैं जो कि उचित नहीं है, आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में इसके बारे में मुझे जरूर बताएं। चलता हूं मैं।